सर्दियों में स्टीम लेने से बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन अगर आप स्टीम लेने के बाद कुछ स्टेप फॉलो नहीं करते तो स्किन उतनी ही जल्दी ड्राई होती है। स्टेप वन है फेस को क्लीन करना। यहाँ पर मैंने लिया हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश। नीम का फेस वॉश है, हिमालय का कोई भी फेस वॉश ले सकते या फिर आपके स्किन पर जो फेस वॉश सूट करता है आप अपने स्किन से रिलेटेड चीज़ें यूज कर सकते। जितने भी मैं चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप अपने स्किन से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है सिलिकॉन ब्रश, इससे स्किन से क्लीन हो जाती है। जब हम रात में स्किन को या फिर किसी भी टाइप स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करते होते हैं उसे अच्छे से क्लीन कर देता है। स्टेप नंबर टू है स्टीम लेना। अब हमारा फेस क्लीन हो गया, अब हम स्टीम लेंगे। एक बर्तन में स्टीमर की हेल्प से आप स्टीम ले सकते हैं। ज़्यादा देर तक आपको स्टीम नहीं लेना है, ज़्यादातर आपको 4 से 5 मिनट ही स्टीम लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप पानी में मिला सकते हैं, लेमन मिला सकते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं। जैसे आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। अब हमारे पोर्स जो क्या है बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, हमारे बैक हेयर्स, वाइट हेयर जो भी होते हैं, पिंपल वगैरह, कील वगैरह जो भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। उसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चिमटी से निकाल सकते हैं। ईजिली निकल जाता है, किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं प्रेस करने से स्किन को। अगर वहीं ड्राई है स्किन और आप इस तरीके की चिमटी का यूज करते हैं तो स्किन डार्क हो जाती है और स्पॉट्स जाते हैं। तो इस तरीके की चिमटी का यूज करके आप अपने नोज के अराउंड, चिन के अराउंड जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। अगला स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग करना। विंटर हो समर हो किसी भी सीजन में फेस की स्क्रबिंग करना जरूरी है। स्किन को डीप क्लीन करता है और सॉफ्ट बना के रखता है। यहाँ पर मैंने सेम लिया है हिमालय का नीम स्क्रब लिया है। इसके जो छोटे छोटे के पार्टिकल्स है ना स्किन को बिना किसी हार्म के स्किन को क्लियर करता है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट सा रहता है तो स्किन में ऐसी कोई इरिटेशन प्रॉब्लम नहीं होती। सभी टाइप की स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं और ये स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है और स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं बना आता है। तो ये वाला स्क्रब आप ट्राई कर सकते हो या फिर जो आप यूज करते हो डेली बेसिस पर या फिर आपने स्किन केयर रूटीन में ऐड किया उसे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस मास्क। आपको फेस मास्क ऐसा चूज करना जो स्किन को ड्राई नहीं बनाएगी। आप घर पर भी फेस मास्क बना सकते हो, पैक बना सकते हो या फिर रेडीमेड पैक का भी यूज कर सकते हो। ये डीमियोम्स को का क्ले मास्क है और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल में किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चाहे तो चैनल में भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। किसी भी तरीके का क्ले मास्क आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मास्क लेना है जो स्किन को ड्राई नहीं बनाए, क्योंकि अभी हमने स्टीम लिया है, देन स्क्रब किया है फेस को, और अगर हम ड्राई प्रोडक्ट यूज करते जाएंगे तो स्किन हमारी ड्राई होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है जो स्किन पर अच्छे से वर्क करे, साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करे स्किन को। तो ये वाला मास्क जो अच्छे से वर्क करता है मेरे फेस के अकॉर्डिंग वो मैं बता रही हूँ। देन फेस वॉश करना है और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डीमोम्स का टोनर और ये वाला है नेचुरल डेली फेस टोनर। इसका भी रिव्यू है मेरे चैनल में और जितने भी ये दी मोम्सको के प्रोडक्ट है उसके मैंने साथ में रिव्यू किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स लेना है अपने फेस में और अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपको इसे सूखने देना है। जो प्रोसेस होता है टोनर अप्लाई करने का वो हमें फॉलो करना है। ऐसे करने से स्टीम लेंगे जब भी आप विंटर में तो स्किन ड्राई नहीं होगी, जो डार्क पैचेस हो जाते हैं स्किन को पपड़ी से निकलने लगती है ना स्किन पर, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि स्टीम अगर हम जब लेते हैं तो एक्सेस जो ऑयल है फेस का वो निकल जाता है और उसे हम अगर हमें बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस करना जरूरी है स्टीम लेने के बाद। तो जितने भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। ये देन मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, डीमोम्सको का ही है सेम। तो ये सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं या फिर आप जो डेली बेसिस पर यूज करते हैं प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, आपको सेम अप्लाई करना है। आपके स्किन पर जो सूट करता है विंटर के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया है इस बार उसे आप अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, और स्टीम लेने से आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन सब स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टीम आपको लेना है वीक में एक बार और इसके अलावा आप महीने में 15 डेज में एक बार कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो 15 डेज में एक बार कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से, पोर्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप ये वाला वीक में एक बार कर सकते हैं। तो ये रही वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।